हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम एक्सप्लोर ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्लीज़ इस पैंडेमिक में घर पर रहिए और अपने आप को सेफ रखिए और आपकी फैमिली को भी, क्योंकि दोस्तों आप मेरी फैमिली हो। सो प्लीज़ स्टे सेफ। एंड चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले रियलमी 8 5G को मत लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, रियलमी की सबसे पॉपुलर सीरीज़ होती है नंबर सीरीज़। और इस नंबर सीरीज़ में रियलमी ने पिछले कुछ दिन पहले 2 फ़ोन लॉन्च किए थे, रियलमी 8 और 8 प्रो। दोस्तों, इनके सारे स्पेसिफिकेशन अच्छे थे, लेकिन ये दोनों ही स्मार्टफोन 4G थे। और 4G होने की वजह से कस्टमर्स को इन दोनों फ़ोन्स में कुछ खामी नज़र आने लगी। इसीलिए दोस्तों, रियलमी ने अभी कल रियलमी 8 5G लॉन्च किया। क्योंकि दोस्तों, रियलमी को पता है काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो 3-4 साल तक फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो 5G की डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 5G देने की वजह से इस फ़ोन में कंपनी ने क्या क्या कम कर दिया है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, इन 5G 4G दोनों मॉडल्स में से मुझे अगर कोई पसंद करना हो तो डेफिनेटली मैं 4G वाले वेरिएंट को पसंद करूंगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले क्विकली रियलमी 8 5G के स्पेसिफिकेशन आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, रियलमी 8 5G में आपको 6.5 इंच की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले आपको मिलेगी, जो कि एक 90Hz वाली डिस्प्ले है। इसके साथ ही इसमें 5000 mAh बैटरी 18W फास्ट चार्जिंग के साथ में आती है। 48MP ट्रिपल कैमरा आता है। आगे पंच होल में 16MP फ्रंट कैमरा आता है। डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर मिलता है दोस्तों, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। और हाँ दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूँ, इसमें 5G के 7 बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, अभी तक काफ़ी सारे फ्लैगशिप फ़ोन हैं, उनमें भी 7 बैंड का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें मिलता है। लेकिन दोस्तों, इसी 5G की वजह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ क्या क्या करना पड़ रहा है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले एक बात जान लीजिए दोस्तों, दोनों ही फ़ोन की प्राइस 14999 है। दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस आपको इनकी डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। रियलमी 8 में आपको 6.44 इंच की एक सुपर एमोलेड 60Hz वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और दोस्तों, रियलमी 8 5G में आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस 90Hz वाली एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, आपको एमोलेड चाहिए या 90Hz चाहिए। अगर मुझे चूज़ करना हो तो मैं एमोलेड को चूज़ करूँगा। तो दोस्तों, सेकंड नंबर पे आती है बैटरी। दोस्तों, इन दोनों ही फ़ोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन 4G वेरिएंट में 30W की चार्जिंग मिलेगी और 5G वेरिएंट में 18W। दोस्तों, ऑनेस्टली कहूँ तो पिछले कई दिनों से रियलमी मोबाइल मार्केट में चार्जिंग की किंग मानी जाती है। तो दोस्तों, 5G के नाम पर चार्जिंग में इतना बड़ा डिफरेंस मुझे तो पसंद नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कैमरेज की। और हाँ दोस्तों, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, 4G वेरिएंट में 64+8+2+2 ऐसा क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलेगा, लेकिन दोस्तों, रियलमी 8 5G में 48+2+2 ट्रिपल कैमराज आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मेन सेंसर में 64 की जगह 48, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये 2-2 मेगापिक्सल माइक्रो की जगह अल्ट्रा वाइड ही दे देते। दोस्तों, अल्ट्रा वाइड लेंस रियलमी 8 5G में से गायब ही है। दोस्तों, मेरे हिसाब से रियलमी 8 5G में ये 2-2 मेगापिक्सल के माइक्रो और डेप्थ की जगह 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड होता तो अच्छा होता, क्योंकि ये 2-2 मेगापिक्सल के दोनों ही कैमरे मेरे हिसाब से तो वेस्ट ही है। और हाँ दोस्तों, फ्रंट में भी आपको कैमरा में डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों, 4G वेरिएंट में 16MP का सोनी IMX471 सेंसर आपको मिलता है, लेकिन वही रियलमी 8 5G में कंपनी ने स्पेसिफिकली कौन सा सेंसर है ये बताया ही नहीं है। तो दोस्तों, साफ तौर पर बात ये है, इसमें सोनी का सेंसर नहीं है। जब भी सोनी का सेंसर होता है तो कंपनी स्पेसिफिकली बताती है। आई स्वेयर दोस्तों, इसमें सैमसंग या कोई और सेंसर है, 16MP का ही है, लेकिन कोई और सेंसर है। तो दोस्तों, साफ तौर पर भी देखा जाए तो कैमरा में भी रियलमी 8 4G 5G से बेटर निकल के आता है। दोस्तों, चौथा और सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस इनका प्रोसेसर। दोस्तों, रियलमी 8 4G में आपको मीडियाटेक का मीडियाटेक हीलियो G95 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो 12nm पर बेस है। और रियलमी 8 5G में मीडियाटेक डायमेंसिटी
700 प्रोसेसर मिलेगा जो कि 7 NM पर बेस है और ये एक 5G प्रोसेसर है। दोस्तों इन दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों डायमेंसिटी 700 में एक तो 5G मिलता है, दूसरा वो 7 NM पर बेस है, और क्योंकि 7 NM पे है इसकी बैटरी एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा है। दोस्तों अंतुतु के लेटेस्ट वर्जन पर अगर देखा जाए इन दोनों ही प्रोसेसर के अंतुतु स्कोर 300,000 के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ डायमेंसिटी 700 थोड़ा सा बेटर निकल गया था, लेकिन दोस्तों अभी भी अगर आप प्रॉपर गेमिंग करते हो तो मैं हीलियो G95 ही आपको रिकमेंड करूँगा। हालांकि दोस्तों G95 12 NM पे है इसलिए थोड़ी बैटरी ड्रेन ज़्यादा होगी, लेकिन प्रॉपर गेमिंग करने के लिए ये प्रोसेसर अभी भी डायमेंसिटी 700 से बेटर ही है। सो फाइनल दोस्तों अब आते हैं हमारे कन्फ्यूजन पर, मुझे क्या लगता है और आपको कौन सा लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आपको अगर सिर्फ 5G चाहिए तो ही आप रियलमी 8 5G की तरफ देखिए। वैसे भी दोस्तों इंडिया में पूरी तरह से 5G आने के लिए करीब करीब 2 साल से ज़्यादा का वक्त लगेगा, और दोस्तों हमारे काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो एक फ़ोन 2 साल के अंदर ही चेंज कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ 5G लेने से अच्छा है ये 4G वाला वेरियंट लीजिए, क्योंकि दोस्तों कैमरा, बैटरी परफॉर्मेंस, माइक्रोफोन, डिस्प्ले और डिज़ाइन सब में दोस्तों रियलमी 8 4G इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैं प्रेफर करूँगा रियलमी 8 4G को। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, 4G लेना है या 5G, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप देखते रहिए MX4U।